चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी ऑन कर लें ताकि आने वाले तमाम वीडियो आसानी आपको मिल सके। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहनों और भाई, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजिम करें, और अगर आप इस्तखारा रूहानी इलाज करना चाहते हैं तो ज़रूर हमसे राब्ता करें, इंशाल्लाह आपकी भरपूर मदद की जाएगी। आज जो मैं आपको कारोबार में बरकत के लिए रूहानी अमल बताने लगी हूँ, जैसे कि आपके दुकान में बरकत नहीं होती, कारोबार में बरकत नहीं होती, दुकान में बंदिश या कोई ऐसा मसला हो जाता है, सबसे पहले आप एक डोरी तैयार करें, उसको मतलब कि काले रंग की डोरी ले आएँ। अगर आपको नहीं डोरी मिलती तो नलकी नहीं होती जिससे हम स्टिच करते हैं, कपड़े सिलाई करते हैं, तो वो आप ले लें। उसको 3-4 मरतबा फ़ोल्ड करेंगे तो वो काले रंग की एक डोरी बन जाएगी, तो वो आप ले लें। अब उसके ऊपर आपने क्या करना है, 3 मरतबा आयतुल कुर्सी, 4 मरतबा जो उनसे चारों कुल पढ़ने हैं, यानी 4-4 मरतबा चारों कुल पढ़ने हैं, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूशी पढ़ना है, और उसके बाद फिर से गौर से सुन लें, 11 मरतबा दुरूशीफ, 3 मरतबा आयतुल कुर्सी, ठीक है। उसके बाद आपने चारों कुल 4-4 मरतबा पढ़ने हैं, अल्हम्दुशरीफ 4 मरतबा, ठीक है। जो आपने उसके बाद एक सूरत मुबारक आप गौर कीजिएगा, आप सूरह कुरैश उसका नाम है, ठीक है, कुरान पाक के आखिर में सबसे मतलब कि छोटी, वो भी 3 मरतबा आपने पढ़नी है। 3 मरतबा पढ़ने के बाद फिर लास्ट में भी 11 मरतबा दुरूशी पढ़ के ना उस काले जो धागा होगा उसको ना आपने दम कर लेना है, ठीक है। 7 फूंकें उसके ऊपर मार के ना, 7 फूंक मार के ना, तो आपने ना वो अपनी जहाँ पर आपकी शॉप है, जहाँ पर आपका कारोबार है, जहाँ पर ऐसी चीज़ है, वहाँ पर आपने बांध देना है नज़र के लिए। नज़र बद भी लग जाती है, बंदिश हो जाती है नज़र से ना, नज़र से कारोबार की बंदिश हो जाती है, बहुत स्पीड से लगता है कारोबार बर्बाद हो जाता है, चलता कारोबार ख़त्म हो जाता है, रिस्क ख़त्म हो जाता है, फाकों की नौबत आ जाती है, लोग भूखे घरों में मरने लग जाते हैं। आप ये अमल ज़रूर करें, अगर रिस्क में किसी भी किस्म की बंदिश होगी, किसी भी किस्म का ऐसा मसला होगा, यकीन माने कि रात होने तक आपकी बंदिश भी ख़त्म हो जाएगी, मगरिब की जैसे अजान होगी आपकी सारी बंदिश टूट जाएगी, आपका सारा जो जादू है, सफलीलम है, जो भी है, वो सारा ख़त्म हो जाएगा, और इतना पैसा आपको अल्हम्दुलिल्लाह रात जैसे ही आप अपना रिस्क को काउंट करेंगे जो आपने कमाया होगा, तो इतना मिलेगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने बहुत से लोगों की बंदिश को तोड़ने का तरीका बताया है, अल्हम्दुलिल्लाह सारे माशाल्लाह बहुत कामयाब हुए हैं, आप ये ज़रूर करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब जादू किया गया था ना, तो फिर तब ये सूरतें मुबारक उतरी थी, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, तो आप जब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया गया है, ये जादू हो सकता है, तो फिर हम कौन हैं, तो हम किसके बिचारे हैं, तो फिर हम पर भी तो हो सकता है ना, तो आपने ये करना है। तो जो शख्स मतलब कि बस ये एक अमल कर लेगा ना, तो उसके कभी भी परेशानी, कोई तकलीफ़, कोई दुख कभी भी नहीं उसके पास से भी नहीं गुजरेगा, इसकी इतनी ताकत है। और अगर घर के अंदर आप लोग बांध लो तो घर के ऊपर कभी कोई बुरी नज़र नहीं डाल सकता, घर में नुकसान होना बंद हो जाएंगे, घर में बीमारियां लगना बंद हो जाएंगी, जादू होना बंद हो जाएंगे। ये एक काली डोरी बना के तो अपने घर में कहीं पर भी आप लटका दें, ताकि ये आपके घर में बेशक किसी ऊपर ऊंची जगह पर रख दें, पढ़ाई करके ना ऊंची जगह पर रख दें, आपके घर में कभी इस तरह नहीं होगा। यकीन माने कि सुबह सूरज निकलने से पहले पहले अगर आप ये अमल कर लेते हैं, या सूरज निकलने के बाद भी कर लें, लेकिन फजर के टाइम करें ना तो फिर ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो अपनी शॉप पे जाके कर लें, किसी भी टाइम कर लें, लेकिन कोशिश करें कि सूरज निकलने से पहले पहले ये अमल कर लें तो बेहतर है, तो मगरिब तक आपका जादू ख़त्म हो जाएगा। अगर आप मगरिब को करते हो, मगरिब की नमाज़ पढ़ के करते हो ये अमल, रात को करते हो, तो सुबह तक आपका इसमें सिर्फ 12 घंटे, ठीक है, या 18 घंटे लगते हैं कि आपका सारा जादू की जो काट है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि ये हिसार करता है आपके घरों को, आपकी जगह को हिसार करता है। ये बहुत अच्छा तरीका, किसी भी दिन आप कर सकते हैं। अपनी बहन को याद रखें ताकि वो आपकी मदद कर सके इंशाल्लाह, और अपना ख्याल रखिएगा। दोबारा अगर कोई मसला हो, कोई परेशानी हो, कोई जादू जिन्नात का मसला हो, कारोबार की बंदिश का मसला हो, अपनी इस बहन को याद रखें, इंशाल्लाह की भरपूर मदद की जाएगी। और इसी के साथ इजाज़त है, अपना ख्याल रखिएगा, जज़ाकल्लाह खैरा। Allah.